दोस्तों आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है ये भी तय है, और रिटेंशन के नियम बदलने वाले हैं ये भी तय है। पहले जहां एक टीम केवल 4 खिलाड़ी रिटेन कर पाती थी, तो भाई अब 5 या फिर 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन मिलती दिख रही है। एग्जैक्ट कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे ये तो अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को ये बता दिया है कि वे कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं, 5 या 6, जिसके बाद सभी फ्रेंचाइजी तैयारियों में लग गई हैं। और पंजाब किंग्स भी प्लानिंग कर रही है कि उसे कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए और कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब किंग्स कौन से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंजाब किंग्स के रिटेन खिलाड़ी। बात करते हैं फर्स्ट रिटेंशन की, तो पहले नंबर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह होंगे। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप का परफॉर्मेंस आईपीएल में जबरदस्त रहा है। वे इस समय भारत के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फेजर हैं। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में इस गेंदबाज का बड़ा हाथ था। उन्होंने आईपीएल 2021 में 18 विकेट, आईपीएल 2022 में 10 विकेट, आईपीएल 2023 में 17 विकेट और आईपीएल 2024 में 19 विकेट चटकाए हैं। केवल पावर प्ले में ही नहीं, अर्शदीप डेथ ओवर्स में भी घातक गेंदबाजी करते हैं। इसी वजह से पीबीकेएस के रिटेन खिलाड़ियों में अर्शदीप का नाम सबसे ऊपर होगा। उसके बाद सेकंड रिटेंशन की बात करें तो वो होंगे सैम करन। सैम करन को रिटेंशन लिस्ट में पंजाब नंबर 2 पर रख सकती है। करन का परफॉर्मेंस देखें तो आईपीएल 2023 में जरूर उनका परफॉर्मेंस बहुत घटिया रहा था, खासकर गेंद से, बल्ले से तो फिर भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया था। लेकिन आईपीएल 2024 में करन का ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक कहा जा सकता है। आईपीएल 2024 में खेले 13 मैचों में सैम करन ने 270 रन बनाए थे और 16 विकेट झटके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैम करन एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, प्रूवन और मैच विनिंग ऑलराउंडर हैं, इसलिए पंजाब आईपीएल 2025 में उन पर भरोसा दिखाएगी। उसके बाद पंजाब के थर्ड रिटेंशन की बात करें तो वो होंगे जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को पंजाब ने आईपीएल 2024 में टीम का वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के तो बहुत खराब रहा था। 14 मैचों में सिर्फ 187 रन बनाए थे, मगर उससे पहले खेले 2 सीजन में जितेश ने धमाकेदार बैटिंग परफॉर्मेंस किया था। आईपीएल 2022 में जितेश ने 163 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए थे। उसके बाद आईपीएल 2023 में जितेश ने पिछले सीजन से बढ़िया परफॉर्मेंस किया और 14 मैचों में 309 रन ठोके थे। उनकी फिनिशिंग एबिलिटी से सिलेक्टर्स भी इम्प्रेस हुए और उन्हें टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखी, इसलिए पंजाब जितेश शर्मा को रिटेंशन लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखेगी। फिर दोस्तों, पंजाब के फोर्थ रिटेंशन होंगे हर्षल पटेल। अगर पंजाब मैक्सिमम खिलाड़ी रिटेन करती है तो हर्षल पटेल को भी जरूर रिटेन करेगी। आईपीएल 2024 से पहले हुए ऑक्शन में पंजाब ने हर्षल को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा था। सबको यही लग रहा था कि पंजाब का ये फैसला बहुत ही गलत साबित होगा और हर्षल बुरी तरह से फ्लॉप रहेंगे, लेकिन पंजाब के मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद थी कि वे अच्छी गेंदबाजी करेंगे। शुरुआती मैचों में लगा भी कि हर्षल फ्लॉप होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लय पकड़ी और सेकेंड हाफ में घातक गेंदबाजी की और 24 विकेट चटकाकर पर्पल कैप पर कब्जा जमाया। उसके बाद पंजाब के फिफ्थ रिटेंशन की बात करें तो वो होंगे शशांक सिंह। अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर पंजाब शशांक सिंह को ही रिटेन करेगी। अगर अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करना कंपलसरी भी नहीं होता, तब भी पंजाब इस खिलाड़ी को रिटेन करती, क्योंकि उनकी धुआंधार बल्लेबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। हैरान इसलिए भी क्योंकि शशांक को पंजाब ने गलती से खरीदा था, और गलती से खरीदे गए इस बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे स्टार गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। आईपीएल 2024 में शशांक ने 164 की स्ट्राइक रेट और 44 की एवरेज से 354 रन ठोक डाले। उनके अंदर हरे गेम को जिताने वाला दमखम नजर आया, इसलिए शशांक का रिटेन होना तो कन्फर्म है। तो ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें पंजाब किंग्स मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रिटेन कर सकती है। इसके अलावा पंजाब मेगा ऑक्शन में RTM कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। बात करें कि कौन से खिलाड़ी को पंजाब RTM कार्ड से अपनी टीम में लाएगी, तो वो खिलाड़ी हैं आशुतोष शर्मा। IPL 2024 में पंजाब का परफॉर्मेंस तो बहुत घटिया रहा, लेकिन ये सीजन उन्हें 2 ऐसे खिलाड़ी दे गया जिन्हें पंजाब किसी भी कीमत पर अपनी टीम से दूर नहीं करना चाहेगी। पहले खिलाड़ी हैं शशांक सिंह और दूसरे खिलाड़ी हैं आशुतोष शर्मा। इन दोनों के रूप में पंजाब को 2 तगड़े सिक्सर किंग मिल गए, जो फ्यूचर में पंजाब के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेलने वाले हैं। आशुतोष ने आईपीएल 2024 में 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए तूफानी अंदाज में रन बनाए। उनके अंदर हारे हुए मैच को जिताने की काबिलियत नजर आई। आईपीएल 2024 के 11 मैचों में आशुतोष ने 167 के स्ट्राइक रेट से 189 रन ठोके थे। अगर वे मिडिल ऑर्डर में खेलते तो उनके बल्ले से और भी रन निकलते, इसलिए पंजाब RTM कार्ड से आशुतोष शर्मा को रिटेन करने वाली है। आपके हिसाब से दोस्तों, कौन से 5 खिलाड़ियों को पंजाब को रिटेन करना चाहिए, और क्या पंजाब को आशुतोष शर्मा पर RTM कार्ड का दांव लगाना चाहिए?
हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। पंजाब किंग्स है और IPL से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।